दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म द शौकीन के बारे में। ये फिल्म अश्विन और मुराद भाई ने प्रोड्यूस की है। फिल्म शुरू होती है अक्षय कुमार के गाने से, जो बड़ा ही खूबसूरत गाना है और एक साउथ अफ्रीकन मॉडल के साथ शूट किया गया है। कहानी शुरू होती है दिल्ली में, जहां तीन बुड्ढे हैं जिन्होंने जवानी तो बिजनेस और फैमिली को संभालने में खत्म कर दी है। अब बुढ़ापे में जब उनको लगा कि अब तो मरने वाले हैं, तो वो प्लान बनाते हैं कि यार अब तो जिंदगी के कुछ मजे ले लें। इस मजे लेने के चक्कर में पहले वो दिल्ली में यंग लड़कियों से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वही डर कि लोग क्या कहेंगे। और उसके बाद फिर वो प्लान बनाते हैं कि भाई बैंकॉक चलते हैं। जब वो अपने घर में अपने बच्चों को ये बात बताते हैं, तो घर में स्यापा पड़ जाता है। कोई पूजा कर रहा होता है, कोई गंगा जल छिड़क रहा होता है और दुआ कर रहे होते हैं कि भाई ये बैंकॉक ना जाए। घर वाले कहते हैं कि भाई बैंकॉक जाने का मतलब है कि आपके कैरेक्टर का सत्यानाश। तीनों बुढ़े बेचारे परेशान हो जाते हैं कि भाई फैमिली को फिर खुशी रखना है। अब ये प्लान करते हैं मॉरिशस का। तीनों बुढ़े मॉरिशस पहुंच जाते हैं, जहां अक्षय कुमार अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। मॉरिशस में ये एक यंग लड़की का घर रेंट पे ले लेते हैं, जो अक्सर होता है। और क्योंकि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रही होती है, बट ब्रेकअप हो जाता है, तो वो घर में वापस आ जाती है। अब ये तीनों बुड्ढे उस जवान लड़की से फ्लर्ट करने लगते हैं। ये लड़की अक्षय की बहुत बड़ी फैन है और वो कहती है कि भाई जो मुझे अक्षय से मिलवाएगा मैं उसको खुश कर दूंगी। ये कुछ गलत समझते हैं और ये तीनों उसको अक्षय से मिलवाने में लग जाते हैं। अब उसके बाद ये लड़की को अक्षय से मिलवा पाते हैं। वो इनकी गर्लफ्रेंड बनती है या नहीं बनती है, इसके लिए आप फिल्म देखिए। टिग्मांशु धुलिया ने कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं। ये पुरानी शौकीन का रीमेक है। पुरानी शौकीन कब आई थी मुझे नहीं पता, तो मैंने यही शौकीन देखी है। टिग्मांशु ने बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखा है। जिंदगी के 100% करीब की बातें, करीब के सीन रखे गए हैं। डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। जब आप डायलॉग सुनते हैं तो आपको हंसी आती है, आपको मजा आता है। और टिग्मांशु ने यहां साबित कर दिया कि वो वाकई ही टैलेंटेड राइटर हैं। वो अपनी फिल्मों का भले ही बढ़िया स्क्रीन प्ले ना लिख पाते हो, बट यहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। म्यूजिक कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाया है। सब गाने बहुत अच्छे हैं, वो इश्क कुत्ता हो, मनाली हो। कोरियोग्राफर्स ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। एक्शन फिल्म में है नहीं, जरूरत भी नहीं थी। बैकग्राउंड म्यूजिक संदीप छोटा ने दिया है, बहुत अच्छा दिया है।
एडिटिंग रामेश्वर भगत ने की है, बहुत बढ़िया एडिटिंग की है, उन्होंने लेंथ को बहुत ही कंट्रोल किया है। फिल्म 2 घंटा 5 मिनट की है, यानी आप बैठेंगे, फिल्म देखेंगे, एंजॉय करेंगे और निकल जाएंगे। यहां मैं शायद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से इत्तफाक नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की कास्टिंग बहुत बड़ी हो सकती थी, जैसे अमिताभ बच्चन साहब, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना साहब। बिल्कुल सही है, अगर कोई छोटे मोटे प्रोड्यूसर की यह फिल्म होती तो ये कास्टिंग बहुत मुश्किल थी, बट क्योंकि अक्षय कुमार इस फिल्म से जुड़े हुए थे तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये काम बहुत इजी था। हीरोइन परिणीति या आलिया भट्ट कोई हो सकती थी, अगर ये कास्टिंग होती तो ये फिल्म डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर होती। अक्षय कुमार ने बहुत जबरदस्त काम किया है यहां पे। फिल्म के सभी गाने अक्षय कुमार पे है, सिर्फ एक गाने को छोड़कर जो लीसा के ऊपर फिल्माया गया है, क्योंकि अक्षय कुमार इस फिल्म में खुद को प्ले कर रहे हैं तो उनके लिए ये करेक्टर निभाना बहुत आसान था, क्योंकि उनको पता है कि वो रियल लाइफ में एक इतना बड़ा स्टार होने के बाद कैसे बिहेव करते हैं, तो फिल्म में भी वो बहुत सही तरीके से उस रोल को निभा रहे हैं। वो फिल्म में नेशनल अवार्ड के लिए डेस्परेट हैं, जो वो रियल लाइफ में भी हैं। फिल्म में हर जगह अक्षय खुद का मजाक उड़ाते हैं, जो वो रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो फिल्म में कर पा रहे हैं, तो पब्लिक को ये देखकर बहुत मजा आएगा। अनुपम खेर साहब, अनु कपूर जी और पीयूष मिश्रा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है डेस्परेट बुड्ढों की। लीसा हेडन ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। बाकी छोटे छोटे करेक्टर में और बहुत लोग हैं, सब ने ठीक ठाक काम किया है। डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने बहुत बढ़िया काम किया है, उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो रियलिटी के बहुत करीब है। इंडिया में 98% लोग अपनी जिंदगी, फैमिली, बिजनेस, रिश्तेदारी इसी में गुजार देते हैं। जब मरने के करीब आते हैं तो पता चलता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया और कुछ कर ही नहीं पाए, तो इसलिए जो पब्लिक 30+ थिएटर्स में आएगी उनको ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अभिषेक ने दूसरा बेहतरीन काम यह किया है कि उन्होंने अक्षय कुमार को एक एक्टर का रोल दिया है फिल्म में, और अक्षय को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी फिल्म में यूज किया है, और अक्षय ने भी उनको निराश नहीं किया। कुल मिलाकर उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है कि लोग उनको हरगिज गाली नहीं दे सकते, इसलिए मैं इस फिल्म को देता हूं 3 स्टार, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आप एंजॉय करेंगे, हंसेंगे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को गाली देते हुए बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी पब्लिक अनु कपूर और पीयूष मिश्रा या अनुपम खेर साहब के लिए थिएटर तक जा सकती है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म 40 से 50 करोड़ के बीच में बिजनेस करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप जाइए, फिल्म को देखिए और आप यकीन करें आप फिल्म को एंजॉय करेंगे। टेक केयर।